हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस सर्किट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ एक यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर, जिस टेस्टर की मदद से आप छोटे से छोटे एलईडी से लेकर बड़े से बड़े एलईडी तक टेस्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं इस टेस्टर को बनाने वाला हूँ एक पुराने खराब हो चुके एलईडी बल्ब। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस एलईडी बल्ब में जो एलईडी खराब थी मैंने उसे टेस्ट करके उखाड़ के फेंक दिया। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें जरूरत पड़ेगी एक डायोड की। तो मैं यहाँ 5408 डायोड ले रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप IN4007 का भी यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, डायोड में जो सिल्वर कलर की पट्टी है वो है नेगेटिव और जो ब्लैक कलर का पट्टी दिख रही है वो है पॉजिटिव। और फ्रेंड्स, एलईडी बल्ब से बल्ब उखाड़ने के बाद हमें दो टर्मिनल मिलेगा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। फ्रेंड्स, बड़ा वाला जो टर्मिनल है वो है नेगेटिव और छोटा वाला टर्मिनल है पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ डायोड को सोल्डर कर दूंगा फ्रेंड्स में अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, डायोड को सोल्डर करने के बाद हमें डायोड को जो है अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर खिसका सकते हो, आप टूटेगा नहीं। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ दो अलग अलग कलर के वायर ले लूंगा नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए, और ब्लैक कलर के वायर को मैं डायरेक्ट डायोड के ऊपर सोल्डर कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ जैसे सोल्डर कर रहा हूँ ऐसे ही आपको भी कर लेना है, काफी इजी कनेक्शन है फ्रेंड्स, कोई बच्चा भी इसे घर पे आराम से बना लेगा। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स, मैं रेड वाला वायर लूंगा और इसे मैं डायरेक्ट एलईडी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे सोल्डिंग कर। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, जहां से आपने एलईडी उखाड़ा है वहां पे काफी छोटा स्पेस होगा, तो आपको यहाँ सोल्डरिंग अच्छे से करना ताकि दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट ना हो, और अगर दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो गया तो फिर ये काम नहीं करेगा और फिर आप बोलोगे तू फेक वीडियो बनाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपने चैनल पे कोई भी फेक वीडियो नहीं अपलोड करता हूं। आपको यहां जो भी वीडियो मिलेगा वो 100% रियल मिलेगा फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको और इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब हमारा यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसका टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं जहां पे ये दोनों वायर्स का यूज किया हूं यहां पे आपको एक मल्टीमीटर का प्रॉप का भी यूज कर सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं जब यहां दोनों वायर्स को टच कर रहा हूं तो मुझे करंट भी नहीं लग रहा और दोनों वायर को आपस में शॉर्ट करने पे ये बल्ब भी बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है फ्रेंड्स, ये 100% रियल है फ्रेंड्स। देखिए, मैं जब दोनों वायर्स को एक साथ भी टच कर रहा हूं फिर भी मुझे करंट नहीं लग रहा है, यानी कि ये फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, ये टच करने पे जल भी रहा है एलईडी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ एलईडी टेस्ट करके दिखाता हूं। मेरे पास है यहां एक 5mm का आरजीबी एलईडी, तो देखिए इसे जला के देखते हैं जलता है या फिर नहीं। और फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने यहां दोनों टर्मिनल्स को टच किया बस एलईडी बहुत ही आराम से ग्लो कर रहा है फ्रेंड्स, देखिए। और फ्रेंड्स, एलईडी ब्लिंक करने का कारण ये है कि मेरे एलईडी बल्ब में जो है एक से ज्यादा एलईडी बल्ब फ्यूज, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, मैं दूसरी एलईडी को भी जला के देखता हूं ये जलता है या फिर नहीं। और फ्रेंड्स, ये भी एलईडी बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रहा है, यानी कि ये एलईडी भी हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं टेस्ट करने वाला हूँ एक दूसरे एलईडी के जो है एमसीपीसीबी में। तो मैं यहाँ एक एमसीपीसीबी ले लिया हूँ और इसके मैं एक दो एलईडी को आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एलईडी काफी ब्राइटनेस के साथ जल रही है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें उल्टा टर्मिनल लगाते हो, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा लगाते हो, तो एलईडी जो है ग्लो नहीं करेगी और ना ही आपकी एलईडी फ्यूज होगी। और देखिए, मैंने इसमें जैसे ही सीधा करके टर्मिनल्स को लगाया वैसे एलईडी फटाक से ग्लो कर गई, यानी कि ये एलईडी भी हमारी बिल्कुल सही है। तो अब मैं इससे आपको एक 4 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप को जला के दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं यहाँ दोनों टर्मिनल्स को इसमें लगा रहा हूँ फटाक से एलईडी ग्लो कर जा रही है और अभी तक इससे कोई भी एलईडी जो है फ्यूज नहीं हुई, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।